हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खनरस किचन। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आप घर पर कैसे मस्टर्ड पेस्ट यानी कि सरसों का पेस्ट बना सकते हो। मस्टर्ड पेस्ट बंगाली खाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। इसे बंगाली में सुरसे बाटा कहा जाता है। ये बहुत सारे फिश करी में और सूखतों में, जो कि एक वेजिटेरियन डिश है, उसके अंदर भी डाला जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कटोरी लिया है। इसके अंदर मैं येलो मस्टर्ड सीड्स यानी कि पीला कलर का जो हमारा सरसों होता है उसको लेने वाली हूँ। मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून, साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी खसखस। ये ऑप्शनल है, बट ये डालने से मस्टर्ड पेस्ट की जो स्वाद है वो अच्छा होता है। साथ में डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून राई यानी कि ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, और इसे मैं पानी डाल के भिगो के रखूंगी करीब करीब 2 घंटे तक। आप इसे कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा भिगो के रख सकते हो। अब मैंने पहले से ही इसे भिगो के रखा था, ये देखिए। तो अब मैं इसका पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो इसको मैं मिक्सी में पीसने वाली हूँ, बट आप इसे पारंपरिक तरीके से सिल बट्टे में पीस के भी बना सकते हो। और इन दैट केस आपको इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीस के सिल बट्टे में इसे बना सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के। अब मैंने ले लिया है एक कंटेनर, इसके अंदर मैं इसको छानूंगी छानने से। तो मैंने डाल दिया है छानने के अंदर। अब कटोरी में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे वापस छन्नी के अंदर छानूंगी। ऐसा करने से सरसों और जो खसखस के अंदर जो मिट्टी रहता है वो बोल के अंदर ही रह जाएगा, आपके जो मस्टर्ड पेस्ट है उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। आप पानी डालें और थोड़ा थोड़ा करके छन्नी के अंदर सरसों को डाल दें और नीचे का जो पोर्शन है उसे आप इस्तेमाल ना करें। तो अब हम जो सरसों है उसको हम मिक्सी के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम कुछ और चीज़ मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च, 2 मिला देंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, 1 इंच अदरक काट के डाल देंगे। और इसे हम पहले सूखा पीस लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे पानी। ऐसा करने से ये जो पेस्ट है ये अच्छे तरीके से पीस जाता है, ये सरसों अच्छे तरीके से पीस जाता है। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे वापस पीस लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा बनके रेडी हो गया है। इसे अब हम एक कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसे फ्रिज के अंदर 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं और इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल खनरस किचन। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।